हमारे कार्यकर्ता मंच पर आसीन। हमारे सभी सुख दुख के साथी, संघर्षों के साथी और हमारा एक एक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का जमकर मुकाबला कर रहा है, उसको सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं और नमन करना चाहता हूं। और इस आम आदमी पार्टी के कार्यालय से देश के तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं ये आम आदमी पार्टी है, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। तुम्हारे किसी बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं है, तुम्हारे किसी बंदर घुड़की को डरने वाले नहीं है। तुम हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में भेज दिया, मनीष सिसोदिया को तुमने जेल में भेज दिया, सत्येन जैन को तुमने जेल में भेज दिया। उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली की 2 करोड़ जनता को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो मुफ्त में पानी देना चाहते हैं। हमारी माताओं बहनों को आर्थिक संकट में अपने पति का चेहरा ना देखना पड़े, इसलिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि हमारी माताएं बहने जब मजदूरी करती हैं, उनके पास बस का किराया नहीं होता। एक ऑटो वाले की बेटी जो कॉलेज जाती है, उसके पास बस का किराया नहीं होता। उनका गुनाह यह है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को बस की यात्रा के लिए 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा। तुम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, हमारे विधायकों को डराना चाहते हो। आतिशी को गिरफ्तार करोगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करोगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करोगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करोगे, हमारे विधायकों के घर पे छापेमारी करोगे, इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह पे, कैलाश गहलोत से 4.5 घंटे पूछताछ, तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है। मैं कहना चाहता हूं 6 महीने जेल में रह के आया हूं, 6 महीने जेल में रह के आया हूं। नरेंद्र मोदी जी, कान खोल कर सुन लो, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री और विधायक अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है। क्या कह रहे हैं भाजपाई? भाजपाई कह रहे हैं केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते, केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते। ये केजरीवाल का इस्तीफा नहीं मांग रहे, याद रखना, ये कह रहे हैं केजरीवाल 2 करोड़ जनता का पानी क्यों नहीं बंद करते, केजरीवाल मुफ्त बिजली क्यों नहीं बंद करते, केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं बंद करते, केजरीवाल बस की यात्रा फ्री जो मिल रही है उसको क्यों नहीं बंद करते। अरे एक छोटी सी सरकार, दिल्ली की केजरीवाल की सरकार इतनी बेहतरीन सरकार है, इतनी बेहतरीन सरकार है कि उसके जवाब में गुजरात के अंदर स्कूल दिखाने के लिए मोदी जी को टेंट का स्कूल दिखाना पड़ा। याद है कि भूल गए? आतिशी जी याद है ना, आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आपने देखा होगा हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा अच्छे स्कूल बनाएंगे। जहां पर मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी,
उन्होंने कहा केजरीवाल के टक्कर का स्कूल हमको दिखाना है, तो उन्होंने कृत्रिम स्कूल तैयार किया, टेंट वाला स्कूल तैयार किया। हमने दिल्ली के अंदर टेंट वाले स्कूल की जगह एयर कंडीशन कमरों का स्कूल तैयार किया, और नरेंद्र मोदी ने 25 साल गुजरात में भाजपाइयों के शासन के बाद टेंट वाला स्कूल तैयार किया। इस्तीफा दे दो भाई, कल को भगवंत मान को गिरफ्तार कर लो, कह दोगे इस्तीफा दो। वो केरला के मुख्यमंत्री विजयन, उनकी बेटी पे जांच शुरू कर दी, कहेंगे विजयन जी इस्तीफा दो। ममता बनर्जी जी के भतीजे पे जांच शुरू कर दी, कहेंगे ममता बनर्जी जी इस्तीफा दे दो। तो इस देश के कानून में कहते हो मुख्यमंत्री और आम आदमी बराबर है, तो जरा मुझे बताइए सोमनाथ भारती कानून के जानकार हैं क्या? प्रधानमंत्री को कानून में छूट है? कानून में छूट है क्या? छूट है क्या? अरे कल को एक मुकदमा मोहाली में लिखा जाएगा, दो दरोगा वहां से आएगा, एक मुकदमा झारखंड में लिखा जाएगा, तीन दरोगा वहां से आएगा, एक मुकदमा तमिलनाडु में लिखा जाएगा, पांच दरोगा वहां से आएगा, और पांच मुकदमा बंगाल में हमारी ममता दीदी लिख लेंगी, तो 10 दरोगा वहां से आ जाएंगे, 10 दरोगा आ जाएंगे। और मोहाली और रोपड़ वाला दरोगा आएगा, कहेगा नरेंद्र मोदी जी घर पे हैं? तो भाजपाइयों जवाब दो इसका, क्या देश का प्रधानमंत्री बंगाल के थाने में जाके जांच में शामिल होगा कि नहीं होगा? बताओ मुझे जवाब दो इसका, क्या वो शामिल होगा तमिलनाडु की जांच में? क्या वो जांच में शामिल होगा पंजाब के अंदर? दरोगा डीएसपी एसपी इन्हीं विपक्ष के राज्यों से, रेवंत रेड्डी के राज्य से, सिद्धारमैया के राज्य से पहुंच गए गृह मंत्री अमित शाह के घर में, बोले अमित शाह है, उससे पूछताछ करनी है। कहेंगे हम तो गृह मंत्री है, बोलो गृह मंत्री तो सब समान है, इसलिए भाजपाइयों ये नौटंकी हमारे साथ मत खेलो, तुम्हारी सारी चालबाजियों को हम लोग समझते हैं। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे, और दिल्ली की दो करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। दिल्ली की दो करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। कहते हैं चिट्ठी कैसे लिखेंगे, 6 महीने जेल में रह के आया भाई, 6 महीने जेल में रह के आया। आतिशी जी, कैलाश गहलोत के पास जेल विभाग है, उनसे पता कर लीजिएगा, मैंने तो डीपीआर भी पढ़ा, संजीव झा को रास्ते में बता रहा था, जेल मैनुअल में लिखा है कोई भी व्यक्ति जेल में रह के असीमित चिट्ठियां लिख सकता है, असीमित। पढ़ लेना, पता नहीं हमारे मीडिया वाले क्यों नहीं पढ़ पाते। बहस चल रही थी केजरीवाल सरकार कैसे लिखेंगे, कैसे चलाएंगे, चिट्ठी कैसे लिखेंगे, असीमित चिट्ठियां लिख सकते हैं हम, असीमित, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और अगर कोई सरकारी चिट्ठी लिखनी है तो कोर्ट से परमिशन, और अगर और सरकारी चिट्ठी को, एक मिनट सुन लो बात, और कोई सरकारी चिट्ठी लिखनी है तो जेल सुपरिंटेंडेंट उस चिट्ठी पे मोहर लगा के उसको अटेस्ट कर देता है। पढ़ लेना, सारे कानून तो तुम लोग जेल भेज भेज के पढ़वा दे रहे हो हम लोगों को, सारे कानून पढ़वा दे रहे हो। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इनका जवाब देने का वक्त आ गया है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको भाजपा में शामिल करूंगा।
गलत तो नहीं कह रहा भाई, गलत तो नहीं कह रहा। रात में 10 बजे किस जज्बे के साथ हमारा कार्यकर्ता ललकार रहा, देखो मोदी जी, देखो आखिर, देखो ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, देखो देखो ललकार रहा है। ये तुम्हारे बंदर गुड़की से डरेगा, ये तुम्हारी बंदर गुड़की से डरने वाला है। भाजपाइयों की बंदर गुड़की से कार्यकर्ता हमारा डरने वाला है। लाठी चलाओगे ना, लाठी चलाओगे, तुम्हारे पास जितनी मज